वाटर के बारे में समुदर वैसे बहुत सारे राज अपने अंदर छुपा के बैठा है ना वो, वो तबाह हो गई उसकी मतलब किसी की व्हाइट के निशान जो कहते हैं उन्होंने बहुत बार देखा है कि आसमान पेडेंटिड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स यूएफओ वगैरह को नजर आए तो आप उनका पीछा करें लेकिन वो जब भी उनका पीछा करते हैं वो समुद्र अंदर चले जाते हैं अल्लाह एवरीवन वेलकम बैक टू ऑफ अलोटॉक्स आज हम बात करने वाले हैं अंडर वाटर मिस्ट्रीज़ के बारे में वैसे तो आपने कई मखलूक सुनी और देखी हुई जो कि समुंदर में रहती है लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी मखलूक़ात भी रहती हैं जो कि इंसानों ने अभी तक नहीं देखी वो मखलूक़ात समुंदर में बहुत ही गहरे तरीन हिस्से में रहती हैं जहाँ पर इंसान का जाना बिल्कुल नामुमकिन है समुंदर वैसे बहुत सारे राज अपने अंदर छुपा के बैठा है जिसे बहुत सारी सिविलाइजेशंस है जो कि अंडर वाटर हमने सिटीज देखी हैं बहुत सारे ऐसे चीज है तो वहाँ पे कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि आज तक किसी ने नहीं देखी बहुत सारी थ्योरीज हैं जैसे कि कहते हैं कि उसमें ऐसे भी क्रीचर्स हैं जो कि एलियंस जैसे हैं हो सकता है वो एलियन हो सकता है वो एलियंसू वहाँ पर जो साइंटिस्ट गए थे जो सबमरीन में गए थे बहुत तो ही गहरे से लगे लेकिन वहाँ उसने उसको तबाह हो गई उसकी मतलब किसी की वाइट के निशान जो कहते हैं वो वह वो बाहर आई तो उसके दांतों के किसी बड़ी चीज़ के दांतों के निशान उस पर थे उस समरिंग पर मतलब वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद है जो कि नहीं वो तो वहाँ पर तो बहुत गहरा अंधेरा है मतलब कुछ नहीं दिखाई नहीं देता नहीं देता कहाँ पर और इतना प्रेशर है कि इंसान का खीमा हो जाए इतना वहाँ पर उस जगह पर प्रेशर है जिसको मैं एंट्रेंस भी है था समुद्र का गहरा तरीन हिस्सा है सर तो एलियंस वाली बात कर रहे थे हम तो वहाँ पे जो फिशरमैन होते हैं जो कि मछली वगैरह पकड़ते हैं उन्होंने बहुत बार देखा है कि आसमान पे आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स यूएफओ वग़ैरह को बहुत बार देखा है उन्होंने तो हो सकता है कि वो उधर ही डिवेट कर रहे देंगे हाँ उनका कहना है कि वहाँ पर जो आसमान है वहाँ बहुत ही क्लियर होता है और उन्हें वो चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं कि वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें जा रही हैं जा रही हैं जो कि जैसे ही चीज़ें उधर में जा रही हैं घूम रही है यहाँ पर वीओ फोटाइट ये अभी तक ये ऐसी ये सिर्फ ट्यूरिस्ट थी लेकिन अब जो सी आई एन ने जो डॉक्यूमेंट्स अन किए हैं बी क्लासीफाई किए हैं है, तो उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिए हुए हैं कि आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स अननोन ऑब्जेक्ट्स नजर आए तो आप उनका पीछा करें लेकिन वो जब भी उनका पीछा करते हैं वो समुंदर के अंदर चले जाते हैं मतलब वो समुंदर अंदर छिप जाते हैं हाँ और निकलते भी वहीं से और ये अभी की ट्यूरिस्ट नहीं है ये बहुत पुरानी है ये कोलम्बस ने भी एक दफ़ा अपने ही जर्नल में था कि मैं रात के टाइम पे बरमुदा ट्रायंगल से गुजर रहा था तब वो वहाँ से गुजर रहा तब उसने आसमान में कुछ ऐसा देखा लाइट जो उसने देखी और वो समुंदर में चली गई तो ये सारी वहाँ से भी चली आ रही है। मतलब शायद उन्होंने अपनी वहाँ पर कॉलोनी बना ली है वो उनको ही मतलब वहाँ पर वो सारे अगर छुपना है यहाँ पे अगर एलियंस को है ना उसकी जो है मुझे के लिए वो ओशियन के अंदर वैसे तो इंसान गहराई तक तो नहीं जा सकता नहीं है पर क्या पता है समुन्दर में जाते अपनी है वो शायद हो जो इंसान देते नहीं जाओ वहाँ पर भी हो जाता है, जा 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 है अंदर से बना नहीं पता कहाँ गया क्या बता तो ये चीजें तो शायद कनेक्टेड ही है The next जो है, और शायद ये बहुत टाइम्स बहुत और हाँ इससे मुझे एक बात याद आई कि जैसे एक एजिप्ट एजिप्ट का एक शहर है अलेक्जेंडर तो उससे 6.5 पॉइंट फाइव किलोमीटर्स आके एक, एक गए वहाँ पर रिसर्चर्स गए तो वहाँ पे नीचे उन्हें मतलब फोर्टी सिक्स बोर्ड्स मिले और इन इसके अलावा सोना और बहुत सारे जो होते हैं वो सारी चीज़ें मिली तो वहाँ पे एक ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स भी थे जहाँ पे हाँ जिस जिधर जैसे इजिप्ट के वो दीवारों पे लिखे हुए हैं जैसे सिंबल टैक्स तो वहाँ पे अजीब व गरीब प्रीचर्स भी बने हुए हैं तो हो सकता है वो वही इंडिकेट कर रहे हो मतलब ये दो साल पहले की बात है तो वो इंडिकेट कर रहे हो कि एलियंस यहाँ पे वो या मतलब तब जो था ना तब ये रिसर्चर्स जो है ये मानते हैं जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो मानते हैं कि यहाँ पे इजिप्ट तो का सबसे बड़ा जो बंदरगाह होता है वो यहीं था जो कि फिर सैलाब की वजह से या पानी उसमें आ गया तो वो नीचे चला गया तो यहाँ से भी हमें एलियंस के आसार मिलते हैं मतलब देखे ना वहाँ पर स्क्विड जैसी चीज़ें हैं कोकटूपस जैसी चीज़ें जो कि बिल्कुल एलियन में है वो करंट लगा रही है कोई कोई किसी का बर्फ़ बना हुआ है जो यहाँ की इस दुनिया के तो लगती नहीं है लगती है कि वो किसी और दुनिया से आई गई ये ग्रीनलैंड में भी दो रिसर्चर थे वो भी सम में गए थे अपनी सममरीन में गए थे तो दे, देवथ में गए थे ओशियन की उन्हें वहाँ पर एक एक्चुअल फुटेज है उनके पास जिसमें उन्होंने दिखाया कि मरमेड है वो उसने हाथ आके रखा है अपना उनकी सम पर और वो उन्होंने दिखाई है और वो उन पर अड़े हुए हैं कि ये सच में हमने मरमेडी देखी है और उसमें उसकी शक्ल भी नज़र आ रही है दूर से तो ये थी एक और एक ये है कि नाइनटीन सिक्सटीन सिक्सटी सेवन तक नासा ने भी एक्सप्लोर किया है ओशियन को और उसके बाद अचानक बंद करके ये स्पेस पे चले गए सारे फंड्स वहाँ पर इन्होंने ट्रांसफ़र कर लिए अचानक से वो भी हुआ था और, और इस पे ये कहते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिससे ये डर गए और ये अभी यहाँ से जाने की अर्थ से जाने की कोशिश कर रहे, है। से नहीं। नहीं से रहे हैं मतलब जो, जो अमेरिका ने किए थे ओशियन में और ये ये कह रहे हैं कि ये क्यों किए क्योंकि तो इन्होंने कोई मॉन्स्टर देखा है और उसको मारने के लिए मारने के लिए ब्लास्ट किए हैं

वो आँख जब आई तो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुई सब परेशान हो गए कि ये कोई मॉन्स्टर की आँख है आ तो फिर रिसर्च किया गया पता नहीं कि वो किसी वो फिर जब साइंटिस्ट के पास गई तो वो कहते हैं कि साइंटिस्ट को प्रेशराइज किया गया कि पब्लिक को ऐसा बोले कि वो किसी नॉर्मल फिश की पर वो थी किसी मतलब जॉइंट आँख थी ऐसा कोई क्रिएचर का भी हाँ देखा नहीं तो वो भी एक मतलब चल, चल रही है पर मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है ना तो ये जो बड़ी एजेंसीज वगैरह है ये उनको सरप्राइज कर लेती है मतलब एक ऐसी भी थ्यूरी है ना कि वो जो है ये तो पूरा ग्लोब है हमारा पूरा वर्ल्डिंग उसके अंदर भी एक दुनिया है जो एक तो बाहर है हमारी दुनिया अंडर उसके अंडर वर्ल्ड जिसकी शायद इंट्रेंस जो वो समुंदर से पर वहाँ पर क्रिस्चन रहते हैं वहाँ पर वजीब चीज़ें हों क्रिश्चन रहते हैं वो वहाँ की दुनिया ही अलग हो मतलब उसके फिजिक्स के लाभ भी चेंज हो हर चीज़ वहाँ के चेंज हो ऐसे तो नहीं होंगे ना मतलब ऐसे नहीं हो क्योंकि हर चीज़ नीचे जाके फिर चेंज हो जाती है ग्रेविटी भी चेंज हो जाती है और हो सकता है बहुत सारे मतलब हमारे गोल है लेकिन उनकी जमीन तो उनकी आसमान ही उनका जमीन हो गया मतलब बहुत सी चीज़ हो सकती है ये ऐसे हम बोल सकते हैं कि वो जो रशिया ने डिग किया था आ, एक बड़ा सा जो खंडा बोले वो डिग गया था तो उधर से भी उन्हें कुछ आवाज़ सुन रही थी उन्होंने तो सोचा कि ये हे वगैरह है पर हो सकता है ये सेम वर्ल्ड अंडर वर्ल्ड का हो मतलब वहाँ से उन्हें वो एक वो भी था साइंटिस्ट गए थे उन्होंने बड़ी बड़ी अजीब उन्हें बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई दे रही थी जैसे रोर रो थी बड़ी बड़ी मतलब बड़ी किसी बड़ी बहुत बड़ी चीज़ की आवाज़ें वो चीख रही हो यहाँ को एक आवाज़ और रिकॉर्ड हुई थी नाइनटीन में मैंने क्या हो उसको ब्लूप कहते हैं और वो सबसे लाउडेस्ट जो है जो नॉइस है अंडर वाटर उन्होंने रिकॉर्ड किए और उनको पता नहीं है ये कहाँ से आई है और उन्होंने बीस साल के बाद जाकर बोला है कि ये कोई आइसबर्ग टूटा है अंटार्टिका में इस वजह से आई है तो बीस साल तक इन्हें पता नहीं था लेकिन फिर अचानक आके बोलते हैं कि भाई ये आइसबर्ग का मतलब आवाज है उन्हें काफी जगह है समरीन में और वो कहते हैं कि मतलब अगर समुंदर के ऊपर इतनी लाउड होती ना तो ये सब हम बेरे हो चुके होते क्योंकि उसको पाँच हजार किलोमीटर दूर से सुना गया है पाँच साल तो चीज भी बहुत बढ़िया ये वाली चीज़ तो मुझे ऐसा देखा है और अब कहाँ तो हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है इतना ही नहीं रहा सब कुछ स्टॉक हो गया है तो स्पेस में हाथ निकलने की आज कोशिशें हो रही है जीरो मस्त कह रहा है कि हम मार्च को जाएंगे मार्च को पेंट रहेंगे इसको यहाँ से कोई छोड़ चले जाएंगे इसको जमीन को अर्थ को और ये एक और एक मिस्ट्री थी एक बोट की ये एटीन एटीन वन में थी तो वो एक कैप्टन था जो अपनी शिप को ले जा रहा था तो उसको अचानक से एक दूर से कोई शिप नजर आई तो उसने उसके साइड में शिप लगाई समुंदर के बीच में थे तो दो दिन तक उसका मुआयना किया कि कुछ है या नहीं लेकिन कोई चीज़ नहीं थी कोई इंसान नहीं कुछ नहीं उन्हें लगा कोई लुटे नहीं होंगे कोई लूट गए होंगे तो ये अंदर गए शिप में सारा सामान वैसे का वैसा पड़ा है लेकिन कोई इंसान नहीं है, नहीं है। सारी कीमती चीज़ें वैसी वैसी पड़ी हैं तो इसने के कैप्टन ने क्या किया अपनी क्रू के कुछ मेंबर दे जो वहाँ पे बिठा दिए उस शिप में और उसको साथ साथ लेके चलने का बोल दिया तो ये चले साथ साथ एक दो दिन का ही हुआ था कि एक तूफान आ गया और ये अलग हो गए और ये फिर से ये शिप गायब हो गई खुद गायब उसके बाद फिर से फिर से तूफान थमा इसने कि शिप में ये फिर शिप आ गई है लेकिन उसमें लोग नहीं थे इसके मतलब आदमी बिठाते जाते वापस आ जाती है लेकिन सॉरी ये बात फिर यह दो दफा हुआ फिर इसने छोड़ दिया उस शिप, शिप, शिप को

ऐसी बात भी वहाँ पर हो सकता है ऐसे ही कुछ मौजूद हो एलियंस ना हो ना एलियंस ना हो कोई क्रिएचर हो क्रिएचर वो कोई पकड़ रहा हो या उनके पास कुछ ऐसी चीज है टारगेट कर रहा हो बस कर रहा सही। ऐसा भी हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें अभी स्कॉटलैंड वाली साइड पे मतलब जलपरिया के कंकाल मिले हैं ऐसे भी कई वीडियो वो वो दिखा रहे हैं कि परियों के कंकाल बाहर आ एक इंडिया का स्टेट था वहाँ पे भी मतलब एक लड़की पैदा हुई है जिसके पाओ थोड़े ऐसे जैसे बछरी के विंग्स के पर वो तो मेरे ख्याल से कोई डिसऑर्डर होगा उसके पाओ से, से खुले नहीं होंगे पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मतलब वो के टाइप पर नहीं है तो और बेबिस जलपरी के भी बहुत सारे कंकाल जो है वो किनारों पे आए जब फ्लड आता है या कुछ तो ऐसे दो तीन जगहों पे स्कॉटलैंड में एक अमेरिकन टिकटोकर था जिसने लाइव वीडियो चला के एक मतलब जलपरी को जाते हुए अब देख पता नहीं वो आर्टिफिशियल था पर क्या था उसने कोई आ, उस पर इन लगाया लाइव वीडियो में और उधर दिखाया कि ये जा रही है तो ये सब भी हो सकता है पर उसने लाइव चला के एक वीडियो बनाई जहाँ पे मतलब ऐसे एक पत्थर पर जलपरी बैठी है और वो नीचे गई है समंदर में वापसी उसमें गोता है ये भी बहुत फ्यवसिंग है वहाँ पर मछलियों की वो जलपरी मरमिश की सिविलाइजेशन है वहाँ पर जो हम मूवीज़ में देखते मतें से ऊपर से और आप तो वहाँ पर तो गिल्स लगी हुई है सांस ले रहे हैं वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है क्या पता कि एलियन ने उन्हें ढूंढ लिया और वो उनसे ही हो इनके साथ हो ऐसा भी हो सकता है हो सकता है पर इसके अलावा एक और बात थी जो मतलब एक वहाँ पे शिप वाले वाले थे जो आप बता रहे थे कि वहाँ से रोज गुजरते हैं उनको भी नहीं खींचता I mean. वो तो बहुत बार आज जा चुके हैं अच्छा साइंटिस्ट तो कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है अगर है तो सारी को खींचे सबको खींचने ये टारगेट होती है बहुत ही सिर्फ ना वो सबको तो नहीं खींच रहा हो। या तो एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी जो फील्ड होगी उसमें जो चीज आती होगी वो खींच लेता और जो उसकी फील्ड से बाहर हो या जिधर तक उसकी फील्ड नहीं जा रही जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है ना उसका एक वो होता है एक अपना फ्लक्स होता है फ्लक्स अमडोले मतलब वो उसकी रेंज में अगर आ गई तो वो खींचेगी वरना नहीं खींचेगी जैसे मैग्नेट्स ही होते हैं पोल्स अगर साथ होते हैं तो वो खींचते हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो आर्टिफिशियली कोई टारगेट कर रहा हो उसको और नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से ऐसे आवाज़ ही बहुत आती है एक आवाज़ ही नाइनटीन नाइनटी से लगातार आ रही है अभी अभी तक और उन्हें पता नहीं है कि किस चीज़ की आवाज़ है और ये बहुत गहराई में कोई जा भी नहीं सकता तो जा ही नहीं सकते ना वो वहाँ बहुत फ्रेश है ना जाने की तो कोशिश तो उन्होंने बहुत की जाने की ना, ना, देखें एक्सप्लोर कर लेकिन वो वही भी सकता है इंसान स्पेस भी खतरनाक है जाने के लिए तो समुंदर भी उतना ही खतरनाक है इतना स्पेस सेफ ही बात है ये ये को यहाँ पर हमारे ग्लोब में इतनी मिस्ट्री है कि हम वहाँ आगे तो एक्सप्लोर करना बड़ी बात है लेकिन ये बड़ी मिस्ट्री है इंसान का दिमाग काम नहीं करता टाइम का अक्ल काम नहीं होता नाइनटीन एटीन में एक यूएस नेवी का जहाज था मतलब उस टाइम का सबसे बड़ा जहाज था उनका तो उसमें कोई 300 सौ मेरे ख्याल से आठ लोग थे वो वहाँ से निकले और समुंदर के बीच में अचानक से गायब हो गए और वो भी यहीं बरमुला बर बर टेंगल अचानक से सारे गायब हो गए आज तक पता नहीं चला कहा था इसी बहुत सी सिस्टम जो गायब हो गए पता ही नहीं कहाँ नहीं और वहाँ पर ऐसी भी मतलब कहते हैं ना कि वहाँ पर सिटीज़ भी डिस्कवर हुई हैं अंदर वाटर जो सीट वाटर है वहाँ पर मंदिर बताए किस किस टाइम एक वन में ये इंडिया में हुई थी हाँ, इंडिया में। अभी बत, हमारी मतलब, के थे, पांच हजार साल पुरानी है ये बत्तीस हजार साल पुरानी है ये जब सिटीज थी ना तो दुनिया में तब और कोई सिटीज बनी ही नहीं थी मतलब तो ये फर्स्टेस्ट सिविलाईजेशन थी जो इंडस बोलते ये एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है जो वो दस हजार साल पहले आई है और ये बत्तीस साल पुरानी है मतलब, मतलब सब वाले तो वे जो यहाँ या पे जो दुनिया में जो हो रहा था वो समुद्र में उससे भी ज्यादा हो रहा था मतलब ऐसी जो चीज़ें होती है मोस्टली जो है वो एजेंसीज को पता होती है वो क्लासीफाइड होती है वो पब्लिक से छुपाई जाती है ताकि वो उन्हें पता ना चले और ये चीज़ें इनसे दूर रहें बारे में कुछ लंबी ना हो और हम इसको खत्म कर दें वहीं से लेकिन वो कर नहीं पाते वो कभी ना कभी तो हमें पता चल ही जाता है जैसे मिस्ट्रीज के वो समझता हमारे पास नहीं होता लेकिन तुश्न को भी पता होता है तो ये थी हमारी कुछ डिस्कशन अंडर वाटर मिस्ट्रीज़ के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे थैंक यू टेक केयर अल्लाफ